इसमें भाई साहब 2 चम्मच 3 चम्मच घी डालो, गरम करो, एंड है फिर भाई साहब, एंड है। मैं कहता हूँ मजा ही आ गया यार। तू तो ज्यादा बड़ा बन रहा है, एक हफ्ते में एक बार नहाता है। अभी बड़े पापा ने पूछवा दिया ना, हाँ, सूख गया। ये देख रहे हो मेरी आंख कितनी स्वेलन आई पड़ी है। ये अभी बहुत कम हो गई, पहले तो ये यहां तक स्वेलन आ गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और एक तो यार ये नहाना है ना भाई साहब, मतलब पूछो ही मत, मजा ही नहीं आता नहाने में। इतनी ठंड है, नहा के क्या ही फायदा होता मुझे समझ नहीं आता, पर फिर भी नहा लिए हैं। नहाना भी जरूरी था, आज बसंत पंचमी है, पूजा वूजा करनी है सरस्वती माता की। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान बरसाए और जो आप लक्ष्य पाना चाहते हो वो आपको मिले। मैं भी पढ़ने वाला बालक हूँ तो मुझे पता है कि यार सारे मेहनत करते हैं, सबको अच्छी जॉब चाहिए, अपना काम में तरक्की चाहिए, तो माँ सरस्वती सबको तरक्की दे। बस यही शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो पूजा हो चुकी है, अभी मैं नाश्ता करता हूँ, भूख बहुत तेज लग रही है। तो यहाँ पे क्या बनाया है मम्मी ने, ये एक कपड़े में रखे पराठे हैं, और ये क्या है रात वाली दाल, तो ये क्या बनाया सब्जी, ये क्या है आलू और सेम की फली, वाह। और मम्मी आप तो लंगर खा के फ्री, मत थाल मत मारो यार, ऐसे थोड़ी है, आपने खा लिया मैं भी तो खाऊं। यहाँ आ चुका है अपना खाना, और ये पता है ग्रीन ग्रीन कैसे हो रहा है ऊपर, पता है हमारी टीन शेड डली हुई तो उसकी वजह से पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, इसलिए मैं यूजुअली वहाँ पे बाहर बनाता न्यू वीडियोस, क्योंकि पूरा ही ग्रीन ग्रीन आता है उधर से। और बाकी अभी मेरा चूरमा गर्म हो रहा है भाई साहब, चूर मीठे में चूरमा मिल जाए मज़ा ही आ जाए, मम्मी गर्म कर रही है उसमें घी डाल के, भाई स्वाद ही आ जाता है, एंड है। और ये हमारा चूरमा आ गया है भाई, गर्म है, कटोरी पकड़ी नहीं जा रही है, अच्छी खासी गर्म है और स्वाद में एक नंबर भाई, होड़ नहीं है, मज़ा आ गया इसमें भाई साहब। 2 चम्मच 3 चम्मच घी डालो, गरम करो, एंड है फिर भाई साहब, एंड है। मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया यार। तो अभी का सीन ऐसा हो गया कि मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे का एक फ़ोन आ रहा था पीछे से, मैं फ़ोन पे बिजी था, तो एक मैंने एक पार्सल मंगाया, उसका फ़ोन आ रहा था, और वो जाने पार्सल कहाँ दे के गया है, ढूंढना है जाके उसको। मैंने एड्रेस तो अपनी दुकान का ही डाला हुआ था, देखते हैं किसको दे गया, क्योंकि यहाँ से वो डिलीवर्ड दिखा रहा है। जाता हूँ और देखता हूँ कहाँ दे के गया है। खाएगा तो खाएगा, और नहीं खाऊंगा और मैं खिलाऊंगी। दोनों तेरी बहुत जिद हो रही है। फिर रवैंदा भी तो दो। हाँ दूंगी। और 4 बादाम। तू अभी स्कूल से आके तैने नाटक शुरू कर दिया, ये ड्रेस कौन रखेगा, इसको टांगेगा कौन, अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि ड्रेस तूने यूं फेंक रखी स्कूल से आके, तू स्कूल से आया इसका मतलब थोड़ी कि ड्रेस कौन टांगेगा, मुद्दा एक ये अभी है। थोड़ा आराम करने के लिए एक बंदा बैठा है, अभी टांग दे। कैसे बैठ, तो मतलब ये लेट आए। तो तूने लेट लेट ही ड्रेस उतारी है, तो ये कोई सेंस है तेरा ऐसे, ये कोई क्या मैनर्स है, सॉरी सेंस कह रहा मैनर्स क्या? अभी लेट आऊंगा मैं, बैग बैग भी उस कमरे में रखने हूँ, जाऊंगा, बैग भी तूने यहीं शूज भी फेंक उस दिया कमरे है, में रखने तेरे ये जाऊंगा। शूज भी यहीं फेंक दिए तूने, और ये सब शूज तो उधर है, शूज दिखा उधर। शूज, दिखा अच्छे, दिखा शूज का, याद दिखा। हाँ मतलब कैमरा नीचे कर, फेंक वहां है तो फिर भी तो तूने ड्रेस तो फेंक रखी है, कर रखी है, मेरे पास सिमटी हुई है। सिमटी पहननी नहीं है क्या, ये नहीं, ब्लेजर तो कल कल पहनेगा संडे मंडे है को, तो वो कल संडे तो पहनेगा, मंडे को ब्लेजर तो पहनेगा। ये धुलने के लिए जा रहा अच्छा, है और ये नहीं गया धुलने तो ड्राई क्लीन करने के ऐसा लिए। है, जा इसको रख दे बिना पेटे, रख दूंगा अभी। अभी तू फोन चलाएगा 2.5 घंटे कम से कम। हाँ, और कर रहा है, आज फोन नहीं मिलेगा तेरे को बिल्कुल भी, याद रखिए, आली तेरे रे आली, तू सा माला आली, को आज फोन नहीं मिलेगा, क्यों आली नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तू रोज चलाता 2.5 घंटे फोन कम से कम, एक एक जरूर एक, ओनली वन, ओनली वन, जैसे तेरा इंस्टा वगैरह सब बंद हुए ना ओनली वन, ऐसे सब कुछ बंद करना पड़ेगा तेरा। ओनली वन। मम्मी हो गया फोन तो? अभी नहीं हुआ। तू बार बार पूछ रहा है यही शब्द, ओम फोन तराटे काट रही है नौनू नाटक मत करा कर, तू नाले स्कूल से आके नहा रहा है तू, तो 4 बज गए ठंड लग जाएगी। 4 बजे ठंड लगती है। हाँ वाह, शाम के 4 बज, सुबह के नहीं, कैसे उच्च विचार है सर आपके, उच्च विचार। पता नहीं मेरे को शब्द नहीं आते जो कहने होते, ये मैनर्स हैं आपके, 4 बजे सुबह नहा के क्यों जाता है स्कूल। तू तो ज्यादा बड़ा बन रहा है, एक हफ्ते में एक बार नहाता है। अभी बड़े पापा ने पूछवा दिया ना, हाँ सूख गया। मैं रोज नहाता हूँ, वैसे ही बोल रहे थे, वैसे तो दिख रहा है वो, तू तो रोज नहाता है। एक ही मतलब एक ही जैकेट तेरी भी 7 दिनों तक व्लॉगों में दिखेगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरी, देखो 7 दिनों तक दिखेगी,
मेरी एक व्लॉग में ना 3 बार चेंज होती है जैकेट, तेरे को पता 7 दिन में एक जैकेट ऐसा कुछ है, ऐसा ही है। तू जितनी भी व्लॉग है उठा के देख लियो, दिखा दूंगा ये वाली जैकेट मैं तेरे 3 व्लॉग में दिखा दूंगा मैं। ऐसे तो मेरे पास कोई 2500 कपड़े थोड़ी है, खूब जैकेट है तेरे पे, जैकेट है, पर मैं कह रहा हूँ एक व्लॉग में 3 बार चेंज कर लेता हूँ कई बार तो। हाँ ठीक है चल चल ले, हाँ जैकेट चेंज करने से क्या नहाता नहीं है ना। कौन कह रहा नहीं नहाता, नहीं नहाता, नहाता हूँ। दिख रही हो तो तेरी शक्ल दिख ही रही है। ये अब देखो कोई बड़ा आके हमसे खुद कहे, पहले तो इज्जत लिहाज होता है, हमने कहा कि नहीं मारेंगे, फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई ना मार दे, फिर ये थोड़ा हमारे नीचे झुका कि मारो भैया मारो, हमने मार दिया, हमने क्या कहा, हमारे लिहाज देख लो सबके लिए की बराबर है, हमने बड़ा चालू है, बहुत ज्यादा चालू है। अब कोई अगर आपसे आके कहे कि मेरे मुंह पे मारो तो आप मारोगे? मम्मी पानी गरम हो गया, हो गया, तू अब नहा ले चुपचाप। अरे बिस्कुट बॉय यहाँ आया तू ना यार, तू तो इम्पोर्टेंट आदमी है, इतने दिन आते कहाँ का आया हुआ यार, बता दे हमें। एम बिस्कुट बॉय सिविल लाइन्स आवाज पर तूने आवाज ले ली होगा जयपुर में यार, शक्ल तो देखा यार मैं कहाँ पे, मौज इनकी चल रही है भाई साहब, मौसी मौसी के ना गया होगा अच्छा मामा के ना यार, यार की मौसी है ना भाई, यार मैं बता वो तो है पर नेशनल वो है, लेकिन नेशनल यार आया मैं क्या हवाबाजी कर रहा हूँ, वीडियो ऑन है तो क्या है, तू कहाँ जा रहा है, क्या हो दे दूंगा कैसे बड़े प्यार, हाँ देख लो मार इसको नहीं कर जाई, ये देखो बहुत सिर पे चढ़ता जा रहा है, ये देखो मैं तो हाथ मिला रहा हूँ। तू जा कहाँ रहा है, ये माला वाला पहन के पंडित जीवन के जा कहाँ रहा है तू, ये माला अंदर है, जा कहाँ रहा है ये तो समझा, कहाँ जा रहा हूँगा खेलने, नहा धो के खेलने जा रहा है, और ट्यूशन, ट्यूशन नहीं आज सुबह पढ़ तो आया, ओ अच्छा आज तो मैं स्कूल से आया था तो गाइस अभी ना एक सीन बन गया मेरे साथ, ये देख रहे हो मेरी आंख कितनी स्वेलन आई पड़ी है, ये अभी बहुत कम हो गई, पहले तो ये यहाँ तक स्वेलन आ गई थी, हुआ ऐसे था मैंने दवाई ली, मेरे को कोई दिक्कत थी, मेरे यहाँ पे कुछ हो गया है ना, तो मैंने दवाई ली उसकी और वो कर गए रिएक्शन, इतनी भयंकर यहाँ स्वेलन आ गई, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा इचिंग सी हो रही थी पूरे कानों में आँखों में, फिर मैंने ऐसे थोड़ी सी रफ करी यहाँ से पूरी की पूरी स्वेलन आ गई, अभी तो ये थोड़ी कम हो गई है, मैंने दवाई लेकर आया हूँ, एकदम से जाने क्या हुआ था, पर वो रिएक्शन ऐसे हो गया था, मैंने फिर डॉक्टर के पास वापस से गया, वो उसने बताया कि मैंने क्या हुआ रायता खाया और फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद ही मैंने वो दवाई ले ली, इसलिए मेरे को वो रिएक्शन हो गया, हुआ ऐसे था ना कि खट्टा लेने के बाद खट्टा खाने पीने के बाद एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए और वो मैंने ले ली, ये देखो पूरा के पूरा भाई से ऐसे हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो आँख भी नहीं खुल रही थी इतनी ज़्यादा स्वेलन थी, अब जाके थोड़ा सा चैन आया है, मैं सोच रहा था आपको ये पहले ही दिखाऊँ पर पहले तो भाई साहब आँख ही नहीं खुल रही थी, मैं दिखाता कैसे, फिर अब ये थोड़ा सा कम हुआ है मैंने, फिर भी दिखा देता हूँ भाई, आप लोग भी ध्यान रखना अगर कभी खट्टा खाओ पियो तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक मत ले लेना, यही हाल हो जाता है।